दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th मोदी सरकार को 6 साल होने आ गए और 6 साल में क्या स्थिति हमारे देश की हुई है इससे सब वाकिफ हैं। जिस तरह वो अपने गुणगान और बखान कर रहे हैं जश्न मना रहे हैं आज अगर हम देखा जाए तो 6 साल के अंदर देश के अंदर वो स्थिति हो गई है जो कभी आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुई। जिस तरह ये लोगों को भरगरा के कि 70 साल में क्या हुआ देश कहाँ पहुँच गया आज हर आदमी ने इस चीज़ को देख लिया है कि देश पहले कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया है। चाहे वो नोटबंदी के मैटर को हो चाहे GST के मैटर को हो चाहे आर्थिक पिछड़ेपन को हो चाहे महंगाई को लेकर हो और चाहे अब COVID-19 की जिस विषम परिस्थिति को निमटने के लिए जो इनकी प्लानिंग थी उसको लेकर हो हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार विफल रही है और सरकार ने लोगों के साथ कुठाराघात किया है लोगों के साथ धोखा किया है। जिस तरह आज महंगाई चरम सीमा पर पड़ी हुई है आज जो 20 लाख करोड़ रुपये का इन्होंने बजट लोगों को राहत के लिए देने की बात की उसमें आम आदमी के हाथ में क्या आया इनका आंकलन हम कर लें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई 6 साल के अंदर सरकार ने लोगों के लिए क्या किया आम आदमी के क्या किया है। सिवाय इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया लोगों को सपने दिखाए कर धरातल पर कुछ भी नहीं किया। वैसे कल एक आरोप भी लगाया था सरकार पर कांग्रेस सरकार पर नेता बदलने के लोग देखिए अनीता बदेल जी आरोप लगा सकते हैं बिजली के बिल को लेके क्योंकि अनीता बदेल जी को मालूम है जब अजमेर के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये मंत्री थी हमने लड़ाई लड़ी कि टाटा पावर को जो है अजमेर के बिजली की व्यवस्था नहीं दें उसके बावजूद भी दोनों मंत्रियों ने चाहे वासुदेव देवनानी जी हों चाहे अनीता बदेल जी हों दोनों ने आँख मूंद के रखी। अजमेर पूरा शहर बंद भी हुआ इसके विरोध में लेकिन इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा सरकार के जू भी नहीं रहेंगी। आज ये बात कर रही हैं किसी चीज़ को कि बिजली के बिल माफ़ करने की बात कर रही हैं या दूसरी भी कोई राहत के लिए बात कर रही हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है हमारी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को जो है कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और अब उसकी तारीख जो पहले 31 मई तक थी अब 30 जून तक कर दी है और इस चीज़ के लिए बिल्कुल हमारी पार्टी ने जो कहा है हमारी सरकार ने जो कहा है उसके लिए आम आदमी का ध्यान रखते हुए ये कहा है कि 30 जून तक जो अगर कोई पैसा जमा कराता है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ये सारी बातें निरार्थक कर रही हैं और इनका कोई आधार नहीं है खाली सरकार की आलोचना करने की इन्होंने एक अपनी ठान रखी है क्योंकि हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी विफल हुई है अपने आप को बचाने के लिए लोगों के सामने अपने आप को अलग तरीके से पेश करने के लिए इन्होंने झूठी सच्ची कहानियाँ बोली हैं।